हाय गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइज आज के इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपकी मोबाइल फोटोज बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ रॉ मोड। अब रॉ का पता सबको है, रॉ फोटो में क्या क्या फायदे होते हैं सबको पता है, लेकिन रॉ फोटोज एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे क्लिक करनी है फोन के अंदर ये आपको कोई नहीं बताएगा। एंड बहुत से फोन में रॉ का ऑप्शन होता ही नहीं है, तो कैसे आप किसी भी फोन में लिटरली हर फोन में आप रॉ फोटोज कैसे क्लिक कर सकते हो इस वीडियो को देखने वाला पूरा सीखने वाले हो। और रॉ फोटोज क्लिक करते हुए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। प्लस मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ फोटोज क्लिक करके दिखाऊंगा जिसको हम एडिट करेंगे लाइटरूम मोबाइल के अंदर भी, एंड आपको एडिटिंग का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, बहुत कुछ नया आप सीखने वाले हो। फटाफट से वीडियो को लाइक करो और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वाली वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ मैं अपना IQ का फोन, IQ 7 लेजेंड नाम है इस फोन का। एंड इसके अंदर प्रो मोड आता है, वैसे हर फोन में आजकल प्रो मोड आता है। एंड इसमें बेसिकली तीन कैमराज है, एक इसमें प्राइमरी कैमरा वाइड एंगल, एक सुपर वाइड एंड एक टेलीफोटो जूम लेंस। तो देखते हैं रॉ मोड में हम कैसे फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फोन को मैं एक ट्राइपॉड पे लगा दूंगा एंड फिर आपको दिखाता हूँ कैमरा के अंदर क्या क्या सेटिंग्स होती है, इन कैमरा जो फोन का स्टॉक कैमरा होता है उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एंड उसके बाद बात करेंगे अगर आपके फोन में रॉ मोड नहीं भी है तब भी आप कौन सी ऐप्स का यूज़ करके रॉ फोटोज क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फोन हमने ट्राइपॉड पर रख दिया है एंड आपको दिखाता हूँ इन कैमरा की क्या क्या सेटिंग्स आपके पास होती है। तो जैसे हम कैमरा आप खोलते हैं हमारे सामने ये कुछ व्यू दिखता है एंड सामने आपको दिख रहा है सुखदिमान मेरी वीडियो बना रहा है। तो सबसे पहले हमें आना प्रो मोड में, तो प्रो मोड आपके यहाँ पे मोर में आगे होता है या किसी फोन में कहीं और हो सकता है, लेकिन हाँ बेसिकली आपको यहीं पाना होता है। तो यहाँ पे प्रो में हम जाते हैं एंड अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं प्रो मोड के अंदर। तो जैसे आप प्रो मोड में जाएंगे आपकी पूरी स्क्रीन ऐसी ब्राइट हो जाएगी ना, आप लोग सोचोगे यार हमारे फोन में बिल्कुल वाइड फोटो आती है प्रो मोड को सेलेक्ट करते ही। तो कैसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं पहले आपको दिखा दो। सबसे पहले आपको आना शटर स्पीड पर, तो ये है आपका शटर स्पीड जो कि 20 सेट कर रखा है जो कि बहुत कम है। तो इसको पहले बढ़ाना है और इसको इतना बढ़ाना ताकि आपके सीन में लाइट आपकी परफेक्ट हो जाए। तो इसको रखूँगा मैं अराउंड 800। इसके बाद जो आपका है फोकस ये आपको ऑटो पे रख देना ताकि फोकस आपको ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है, क्योंकि मैनुअल फोकस ज़्यादा में है नहीं। इसके बाद जो मेन चीज़ आपको रॉ मोड के लिए ध्यान देनी है वो ये है कि आपके ऊपर यहाँ पे बटन आता है कि रॉ का, इसको मेक श्योर आप ऑन कर लें। जैसे आप इसको ऑन करेंगे आपके फोन में रॉ मोड एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपकी सारी फोटोज़ रॉ क्लिक होगी, मतलब कैमरा के अंदर जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो सारी कैप्चर हो जाएगी सारी फोटो, एंड फोन आपके तरफ से कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करेगा, कोई भी आपकी स्किन स्मूथिंग या कोई भी कॉन्ट्रास्ट नहीं बढ़ाएगा। तो देखिए रॉ मोड ऑन करते हैं, हमारे पास यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शन आ चुके हैं, किसी किसी फोन में ऑप्शन नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम यहाँ से जो है कोई भी लेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लो ये हमने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज़ कर लिया या फिर नॉर्मल जो वाइड एंगल लेंस है स्टैंडर्ड या फिर एक हमने टेलीफोटो लेंस। तो मेरे फोन में ये ऑप्शन है कि मैं रॉ मोड के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, बाकी कुछ फोन में ये ऑप्शन नहीं होता है तो ये आप अपना देख लेना। तो अभी देखिए रॉ में कोई फोटो क्लिक करते हैं मैनुअली सेटिंग करके, तो शटर स्पीड को मैं थोड़ा सा इतना रखूँगा एंड एक फोटो में क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये फोटो हमारी क्लिक हो चुकी है। अब मैं सेम फोटो एक JPG में क्लिक करता हूँ एंड फिर आपको दिखाऊंगा दोनों के डिफरेंस। तो वापस चलते हैं प्रो मोड को हटाते हैं यहाँ से और ये नॉर्मल एक फोटो मोड में आ चुके हैं हम, यहाँ से एक फोटो क्लिक करते हैं। तो अभी हमने दो फोटोज क्लिक कर लिए, एक JPG एंड एक रॉ, एंड अब देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है JPG और रॉ में और क्या क्या फायदे हैं रॉ के। तो देखिए स्क्रीन पर दो फोटोज है, एक JPG एंड एक रॉ, तो इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करोगे वो ये कि आपकी जो रॉ फोटो है वो देखने में थोड़ी सी फीकी लगती है एज कम्पेयर टू JPG, एंड JPG फोटो देखने में काफी क्लीन सी लगती है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, कलर्स और कॉन्ट्रास्ट सब कुछ सही लगता है। और आई नो अब आप सोच रहे होंगे कि जब JPG में सब कुछ अच्छा आ रहा है तो हम रॉ फोटोज क्यों क्लिक करें, बट लेट मी एक्सप्लेन। आपकी JPG फोटो अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि जैसे ही आपके फोन के कैमरा से कोई भी फोटो क्लिक होती है उसके बाद फोन उसमें अपनी प्रोसेसिंग करता है, अपने हिसाब से कलर्स को डालता है, अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट को डालता है एंड टोन वगैरह चेंज करता है। एंड अगर आपकी फोटो में कोई ह्यूमन है तो उसका फेस डिटेक्ट करके उसको स्किन स्मूथ करता है, एंड ये सब करके आपको एक फाइनल इमेज मिल जाती है जिसको बोलते हैं JPG। अब JPG की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी ये डिपेंड करता है आपके फोन का प्रोसेसर कितना अच्छा इमेज को कितने अच्छे से प्रोसेस कर पाता है। अब ये चीज महंगे फोन तो काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं जैसे सैमसंग के कुछ हाई एंड फोन या फिर आईफोन, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ बजट फ्रेंडली फोन्स इसको ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं एंड फोटो उल्टा खराब हो जाती है। तो ऐसे केसेस में आपके पास आता है रॉ। अब रॉ किस तरीके से काम करता है कि आपका फोन का कैमरा जस्ट फोटो को क्लिक करता है आपके पास वो फोटो पहुंच जाती है, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती इसीलिए वो फोटो देखने में फीकी लगती है और देखने में बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है। बट उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप सारी चीजें एडिटिंग में चेंज कर सको, आपके फोन का कैमरा सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है जो भी डिटेल्स उस टाइम पे फोटो को आपने जब क्लिक किया उस टाइम पे क्या लाइटिंग सिचुएशन थी, क्या टेम्परेचर था और क्या व्हाइट बैलेंस था, ये सारी चीजें एज इट इज रिकॉर्डेड रहती है एंड इनको फ्लैटर नहीं करता है, इनको वो मर्ज नहीं करता है, इनको प्रोसेस नहीं करता है, ये सारी चीजें एज इट इज वो आपको देता है एक रॉ फाइल में जिसको कि आप बाद में एडिटिंग कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए जैसे कि लाइटरूम या फिर फोटोशॉप। सेकंड जो मेजर डिफरेंस आप नोटिस करेंगे वो ये कि आपकी JPG फोटोज का साइज बहुत कम रहेगा जैसे 1 या 2 MB के आसपास, लेकिन आपकी जो रॉ फोटोज होती हैं उनका साइज 20-25 MB से ऊपर ही रहता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि JPG फोटो को बिल्कुल फ्लैटन कर दिया गया है, उसमें सारी डिटेल्स को फ्लैट कर दिया, सारी चीजों को मर्ज कर दिया और फाइनल फोटो आपको एक प्रोसेस फोटो मिल रही है जिसमें कि और कोई भी डिटेल्स रिकॉर्डेड नहीं है, जो आपको आउटपुट दिख रहा है वही सब कुछ है। बट रॉ फोटोज का साइज इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स आपका फोन एज इट इज रिकॉर्ड करता है एंड आपको सारी डिटेल्स सेव होकर मिलती है, तो वो सारा मेटा डेटा एंड कैमरा
कैमरा की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने में स्पेस तो लगती है। सो रिमेंबर, अगर आप अपने फोन के कैमरा का बेस्ट यूज करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम कैपेबिलिटी को यूज करना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप फोटोज को रॉ में ही क्लिक करें एंड रॉ के फायदे उठाएं। तो अब आपको मैं खुद की फोटो क्लिक करके दिखाता हूं। इस लाइट के अगेंस्ट यहां पे बैकलाइट आ रही है एंड देखते हैं बैकलाइट वाली फोटोज रॉ में कैसी आती है। आपने हमेशा सुना होगा, मैं आपको यही बोलता हूं कि जब भी आप फोटो क्लिक करते हो सनसेट के टाइम पे तो आप बैकलाइट में शूट किया करो ताकि सन आपके पीछे हो। बट दिक्कत ये आती है कि आगे सब्जेक्ट पे कोई लाइट नहीं होती है, पर अगर आप रॉ में फोटो क्लिक करेंगे तो आप एडिटिंग में लाइट सब्जेक्ट पे लेके आ सकते हो। एंड आपको ये चीज मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अभी मैं अपनी एक फोटो क्लिक करूंगा इस लाइट के अगेंस्ट एंड फिर देखते हैं कैसी हमारी फोटो आती है और क्या क्या डिटेल्स को हम रिकवर कर सकते हैं। तो अभी मैं एक फोटो सूख के क्लिक करके दिखाऊंगा आपको और रॉ मोड में, और लाइट आप देखते हैं बिल्कुल अगेंस्ट है, सन बिल्कुल पीछे है। ऐसे टाइम पे आप कैसे फोन से अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो ये आपको भी देखने को मिलने वाला है। तो मैं जाऊंगा यहाँ से मोर में एंड यहाँ से प्रो मोड सेलेक्ट करते हैं एंड ये देखिए अभी लाइट मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो मैं क्या करूँगा शटर स्पीड पे जाऊँगा और इसको थोड़ा सा ऐसे, तो देखिए मैं थोड़ा सा अंडर एक्सपोज ले रहा हूँ, तो देखिए एंड हाँ रॉ ऑन कर देता हूँ एंड नाइस। एक और चीज़ आप जो रॉ मोड के साथ साथ यूज़ कर सकते हो प्रो मोड में, वो है आपका वाइट बैलेंस। आपको दिखाता हूँ वाइट बैलेंस के क्या क्या फायदे हैं। अभी आप देखिए ये एक फोटो में क्लिक करेंगे, वाइट बैलेंस पे जाता हूँ मैं, तो देखिए वाइट बैलेंस पे आते हैं आपको लास्ट में एक टेम्परेचर का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से ये ऑटोमेटिक वाले भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टेम्परेचर का यूज़ करो। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी वार्म्थ को, मतलब इसको आप ब्लू टोन या फिर रेड टोन डाल सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा थोड़ा सा रेड टोन ले जाऊँगी, फोटो सनसेट वाली लग रही है पीछे तो सन का इफेक्ट तो थोड़ा सा रेड होना चाहिए। ओके एंड शटर स्पीड को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा बस एंड नाउ जस्ट क्लिक। तो ये आपने देखा कैसे हमने रॉ और प्रो मोड दोनों का यूज़ करके फोटो क्लिक किया। अगर आपको सिर्फ रॉ में फोटो क्लिक करनी है एंड आप ये सारी सेटिंग खुद चेंज नहीं करना चाहते तो इस सबको आप ऑटो पे भी रख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे अभी प्रो मोड के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे ये शटर स्पीड जो है इसको मैं ऑटो सेट कर सकता हूँ। ऑटो पे क्लिक किया, ISO भी आऊँगा इसको भी ऑटो सेट कर दूँगा। वाइट बैलेंस है इसको भी हम ऑटो सेट कर देंगे। इसके बाद जस्ट मुझे अपना रॉ मोड ऑन करना है एंड अपनी फोटो क्लिक करनी है। तो बाकी सारी सेटिंग फोन अपने आप कर लेगा, आपको बाकी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं। जस्ट आप फोटो को रॉ में क्लिक करो और ये सारी चीज़ आप एडिटिंग में भी एडजस्ट कर सकते हो वैसे। अब ये तो थी आपके स्टॉक कैमरा की बात, लेकिन अगर आपके फोन में स्टॉक कैमरा में रॉ मोड नहीं है, जैसे कई फोन में नहीं होता है, तो आप कैसे रॉ फोटोज क्लिक कर सकते हो ये भी जान लेते हैं। आपके पास लाइटरूम मोबाइल की ऐप तो होगी एंड सब लोग लाइटरूम का यूज़ जरूर से करते हैं एंड आपको शायद पता ना हो कि लाइटरूम के अंदर एक कैमरा ऑप्शन भी होता है जिसके अंदर आप बहुत ही कमाल की फोटोज क्लिक कर सकते हो और सारे ऑप्शन उसमें लाइटरूम के अंदर रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आप लाइटरूम के अंदर ही अपनी फोटो को रॉ में क्लिक कर सकते हो एंड वहीं पर उसको एडिट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइटरूम ऐप को ओपन कर लिया एंड जस्ट मैं यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मेरे सामने कैमरा खुल जाएगा। ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है DNG, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक टॉगल है, आप इसको JPG या फिर DNG किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हैं। तो जैसे आप इसको JPG करेंगे आपकी फोटो JPG में क्लिक होने लग जाएगी एंड आपको जैसे इसको DNG करना है। अब ये DNG बिल्कुल रॉ फॉर्मेट ही है। तो ये है जस्ट आपके फोन का नॉर्मल मोड प्लस DNG फॉर्मेट, मतलब रॉ फॉर्मेट। बट अगर आपको प्रो मोड भी यूज़ करना है साथ में एंड रॉ फॉर्मेट भी यूज़ करना है तो वो भी बहुत ईजी है लाइटरूम के अंदर। जस्ट आपको यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको प्रोफेशनल सेलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने शटर स्पीड, ISO एंड वाइट बैलेंस तीनों ऑप्शन आ चुके हैं। शटर स्पीड को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो और आई थिंक नॉर्मल जो कैमरा है फोन की उससे ज़्यादा अच्छा लाइटरूम के अंदर ही ऑप्शन रहता है। तो इसको हम इतना बढ़ा देंगे एंड ये आपका ISO जो आप इसको कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने शटर स्पीड, ISO एंड वाइट बैलेंस तीनों चीज़ आ चुकी है। तो देखते हैं कैसे हम एक फोटो से क्लिक करेंगे। तो मैं DNG फॉर्मेट में क्लिक कर रहा हूँ फोटो। शटर स्पीड पहले मैं एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा इसको इतना रखूँगा एंड मैं एक बहुत ही प्यारी लीफ की फ़ोटो क्लिक करूँगा। तो देखिए ये फोटो हमने DNG में क्लिक करी है एंड बहुत ही कमाल की फोटो आई है। क्योंकि ये फोटो DNG है, ये एक रॉ फोटो है, तो इसको आप एडिट करके कुछ भी इसमें कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने इसमें एडिटिंग करी। तो इस तरीके से आप किसी भी फोन में रॉ फोटोज को क्लिक कर सकते हो। जस्ट आपको लाइटरूम ऐप का यूज़ करना है अगर आपके फोन में रॉ मोड नहीं है। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा आप रॉ फोटोज क्लिक करें एंड रॉ का फायदा उठाएं। अगर आपको जानना है कि रॉ फोटोज में और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं तो मैंने एक बहुत ही कमाल की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जहाँ पे कि रॉ वर्सेस JPG आपको दिखा रखा है मैंने। तो ये वाली वीडियो को एक बार चेकआउट कर लो एंड जानो कि रॉ के क्या क्या फायदे हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।